हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सेहत से भरपूर कांगनी के लड्डू, और जिसे हम फॉक्सटेल मिलेट भी कहते हैं। ये लड्डू डिलीवरी के बाद कमर दर्द और जो जोड़ों का दर्द होता है उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज की बहुत ही सेहतमंद रेसिपी कांगनी के लड्डू। कांगनी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यह लिया है 1 किलो कांगनी। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और कांगनी को इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसे धूप में रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इसमें से निकल जाए और जिससे ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। और ये देखिए, कांगनी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब हम इसे किसी ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। हमें यहाँ कांगनी को जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीस कर तैयार करना है। और ये देखिए, कांगनी ग्राइंड होने के बाद बिल्कुल आटे की तरह तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से जितनी कांगनी हमने यहाँ ली है उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे और किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमें पाउडर को घी में अच्छे से सेक लेना है, तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है एक बड़ी सी कढ़ाई और इसमें डालेंगे 500 ग्राम देसी घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और साथ ही जो हमने कांगनी का पाउडर तैयार किया था वो घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यदि हमें कांगनी का पाउडर सूखा लगे तो हम इसमें थोड़ा घी और ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, मिक्स करने के बाद जो पाउडर है वो काफ़ी अच्छे से घी में मिक्स हो चुका है। यहाँ जो हमने घी यूज़ किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और लगातार इसे चलाते रहना है। 8 से 10 मिनट बाद कांगनी काफ़ी अच्छे से सिक जाएगी। और ये देखिए, कढ़ाई ने भी घी छोड़ दिया है, तो ये इसकी पहचान है कि कांगनी काफ़ी अच्छे से सिक चुकी है। और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम तैयारी करते हैं आटा भुनने की। तो यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी और साथ ही इसमें डालेंगे 500 ग्राम के आसपास गेहूं का आटा और इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ आटे को थोड़ा सा सूखा ही भुनना है क्योंकि जो हमने कांगनी तैयार की थी उसमें भी काफ़ी घी है और जो घी हमने यूज़ किया था उसकी वजह से आटा कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और भुनने में भी आसानी रहेगी। और ये देखिए, आटा भुनकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमें यहाँ आटे को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है और आटे को हमें यहाँ भुनने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए, आटा तैयार है। अब हमने जो कांगनी तैयार की थी उसमें आटे को इस प्रकार से डाल लेंगे। और हमने जो यहाँ आटा मिक्स किया है उसकी वजह से कांगनी का जो लड्डू बना रहे हैं वो और भी टेस्टी हो जाएगा। और आटे को कांगनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसे मिक्स करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें यहाँ आटे को कांगनी के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 किलो के आसपास पिसी हुई चीनी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, हम जो यहाँ चीनी का पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो हमें ठंडे मिक्सचर में ही डालना है, नहीं तो ये बिल्कुल चाशनी बनकर तैयार होगा और इसके लड्डू नहीं बनेंगे। और ये देखिए, पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ किसी भी साइज़ के लड्डू तैयार कर सकते हैं और लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और इसी तरह से जितना मिक्सचर हमने तैयार किया था उसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, तैयार हैं सेहत से भरपूर कांगनी के बहुत ही टेस्टी लड्डू। और आप इन्हें किसी भी मौसम में, गर्मी हो या सर्दी, तैयार कर सकते हैं और इन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से कांगनी के लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।